बॉलीवुड अभिनेत्री और अब मंडी से सांसद कंगना रनौत पर एयरपोर्ट पर तैनात एक सुरक्षाकर्मी द्वारा थप्पड़ मारा गया, या हम कहे कि कंगना ने जैसा अपने वीडियो में कहा कि उन्हें हिट किया गया है। ये जो घटना है वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पेश आई। इस बाद में जो सुरक्षाकर्मी है उनको सस्पेंड कर दिया गया है, लंबित कर दिया गया है। लेकिन इस बारे में हिमाचल की जनता क्या सोचती है, क्या उन्हें लगता है कि इस तरह किसी को थप्पड़ मारा जाना सही है, या फिर क्या उन्हें लगता है कि ये जो भी पूरा प्रकरण हुआ है वो अपने आप में गलत है, ये जानते हैं हिमाचल की जनता का इस पर क्या कहना है। आगे हम आपको रिएक्शन यहाँ पर दिखाने वाले हैं। अभिनेत्री को और एक सांसद को इस तरह से थप्पड़ मारना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हो सकता है उनके अपने कुछ रीजंस हों, अपने कुछ इमोशंस हों जिसके चलते उन्हें कदम उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को इस तरह से हाथ में लेना कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और मैं मानती हूँ कि इस तरह से जो है पब्लिकली किसी को इस तरह से एजॉल्ट करना, इस तरह से आक्रमण करना बहुत ही गलत है। ये गलत है क्योंकि पब्लिकली किसी भी इंसान को असॉल्ट करना गलत है, क्योंकि अगर आप लोग कोई एक्शन ले रहे हो तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर्स बने हुए हैं जिसके आप थ्रू आप उनके लिए एक्शन ले सकते हो, और किसी मायने में ये चीज़ ठीक नहीं है। अभिनंदन ठाकुर है, मैं एचपी मिनिस्ट्री एक विद्यार्थी हूँ, और ये जो कल घटना चंडीगढ़ एयरपोर्ट पास हुई कंगना रनौत के साथ, बहुत ही एक मेरे एक पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऐसे भी सामाजिक रूप से बहुत ही गलत चीज़ हुई, क्योंकि अगर आपके कुछ पर्सनल इश्यूज किसी चीज़ से है, कोई सामाजिक चीज़ से है, तो उसके लिए एक तरीका होता है एक लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया अपने एक बात को रखने के लिए। बट ये थप्पड़ मारने वाला जो चीज़ थी वो खासकर एक महिला के साथ तो बहुत ही गलत, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी गलत लगी। इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के लिए हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर बने हुए हैं। अगर आप ड्यूटी में हैं, कार्यरत है, आप भावनाओं को बस में रख के कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि एक आप कर्तव्यनिष्ठ नागरिक है, आप CISF में कार्यरत है, तो आप इस तरीके की घटनाओं को अंजाम नहीं दे सकते, और लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में बिना किसी एविडेंस के या किसी बात के आप ऐसे नहीं कर सकते। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय घटना है, इसका किसी भी रूप में समर्थन नहीं किया जा सकता है। लोकतांत्रिक देश में आपको शिकायत हो सकती है, किसी का नाराजगी हो सकती है, उसके कई तरीके हैं, कानूनी तरीके से आप उसका शिकायत कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही निंदनीय है, इसका कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ।